शुक्रवार को सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुरादाबाद सर्किट हाउस में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बैठक में भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा मंत्रिमंडल में जाति के नाम पर विस्तार करके जातिवाद फैला रही है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, अपराधियों को उनकी जाति देखकर मारा जा रहा है। मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी धर्मांतरण तो कभी अन्य फालतू बातों पर चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में 20,000 करोड़ का काला धन स्विस बैंक में जमा किया गया है, इस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुरादाबाद पहुंचकर कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक के बाद भाजपा पर तीखा हमला बोला। राजभर ने कहा कि इस देश में जितने भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां मुसलमानों का वोट लेने का प्रयास कर रही हैं। हमने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, उसमें ओबीसी के अलावा सभी जातियों की पार्टियों को शामिल किया गया है। इस बात को लेकर जो लोग हम पर जातिवाद करने का आरोप लगा रहे हैं वह गलत है। भारतीय समाज पार्टी मुरादाबाद मंडल के कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक थी। संगठन के संबंध में चर्चा पर चर्चा करने के उद्देश्य से धन्यवाद। सर, 2022 के चुनाव को लेकर आप अपनी सीटें उतारेंगे या किसी पार्टी के साथ जोड़ेंगे? कि हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया जिसमें 10 दल के लोग हैं। ओवैसी जी हैं, कुशवाहा जी हैं, पटेल जी हैं, चौहान जी हैं, बिंद जी हैं, कश्यप जी हैं, पाल हैं, प्रजापति हैं, चौहान हैं, राजभर हैं, बंजारा हैं, बहेलिया हैं, अर्कवंशी हैं, आरक हैं, खड़गवंशी हैं। ये तमाम जातियां जो है, जाट हैं, गुजर हैं, कश्यप हैं, ये तमाम जातियां जो है आज भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं और उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा 22 में सरकार में। सर, पिछले साल आप पिछली बार इलेक्शन में आप बीजेपी के समर्थन में थे, इस बार भी क्या ऐसा कुछ रहेगा? बीजेपी डूबती हुई नैया है, जिसको मरना है उस पे जाके सवार हो, ओम प्रकाश राजभर को जिंदा रहना है। क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के लोगों? देखिए, हम प्रदेश की जनता से कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा घरेलू बिजली का बिल 5 साल माफ करना चाहती है। हम गरीबों का इलाज फ्री में करना चाहते हैं। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करके सबको न्याय दिलाना चाहते हैं। हम एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा चाहते हैं। हम प्रदेश में भाईचारा, अमन चैन कायम करने के लिए हम जनता से अपील करेंगे कि अधिक से अधिक मत दे करके, अपना वोट दे करके भागीदारी संकल्प मोर्चा के आने वाले दिनों में जो प्रत्याशी हमारे बने उनको जिताने का काम करें। क्या आप सर समाजवादी पार्टी का भी साथ समर्थन करेंगे? हमारे जो उद्देश्य हैं, हमारे जो विचार हैं, वो हमारे मोर्चे में आना चाहें तो उनका स्वागत है। धन्यवाद।